मेंबर्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे कांजी वड़े। तो कांजी तो मैंने बना के रख ली है, इसका जो रेसिपी है इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। और वड़े बनाने के लिए मैंने ये चने की दाल को रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। और अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको मिक्सी में डाल के और बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, दाल को मैंने जो है एक दो बार चलाया, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि अच्छे से जो है इसका स्मूथ पेस्ट बन जाए। दोबारा पीसते हैं इसको। ये देखिए, बिल्कुल जो है दाल का स्मूथ पेस्ट बन गया है, ऐसा ही चाहिए था हमें। ये दाल को देखिए मैंने पीस के और बाउल में निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको 4-5 मिनट के लिए अच्छे से फेंटेंगे। इसको ऐसे कर देखिए, इस तरह से अच्छे से इसको फेंट लेंगे। ऐसे एक ही साइड घुमाते हुए हमने अच्छे से इसको फेंटना है। 4-5 मिनट का टाइम लगेगा इसमें, जो ये दाल है अच्छे से ये फ्लफी हो जाएगी, फिर हम इसके वड़े बनाएंगे। देखिए 4-5 मिनट फेंटना इसको अच्छे से। ये देखिए 5 मिनट फेंटने के बाद दाल जो है कितनी फ्लफी हो गई है। अब हम मसाला बना लेते हैं इसमें मिक्स करने के लिए। यहाँ मैंने एक अदरक का टुकड़ा लिया है, 4-5 हरी मिर्च ली है और थोड़ा सा लहसुन लिया है। लहसुन ऑप्शनल है, अगर आपको लहसुन का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। मुझे लहसुन अच्छा लगता है तो मैं इसलिए इसमें लहसुन डालती हूँ। तो इन सबको हम थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया है, अब ये इसमें मिक्स कर देते हैं दाल में। साथ ही इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम नमक डाल देते हैं इसमें। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैं इसमें और कोई मसाले नहीं डालती हूँ, आप चाहें तो लाल मिर्च वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। हरी मिर्च हमने डाल दिए इसमें, उसी का ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तो चलिए अब इसके वड़े बनाते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, अब हम वड़े बना लेते हैं। वड़े का साइज आप अपने हिसाब से, छोटा बड़ा जैसा भी आप बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। वड़ों को हम अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमने जो है मीडियम रखनी है, पहले हाई फ्लेम पर इनको डालकर वड़ों को इसमें, और उसके बाद हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। स्टार्टिंग में जो है तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। अच्छे से गोल्डन फ्राई करके और हम इनको निकाल लेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। आप चाहें तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं चटनी के साथ, लेकिन कांजी में ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं कांजी में। और कांजी वैसे भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। ये देखिए ये फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। तो ये लीजिए व्यूवर्स, कांजी वड़ा बनकर तैयार है।
तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं चटनी और मूली के साथ। और ये साथ में मैंने ये गाजर रखी है जो कांजी में से निकली है, ये भी बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी भी है। तो आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि आगे जो भी मेरी रेसिपीज़ आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।